गुड मॉर्निंग एवरीबडी सो वेलकम अ न्यू डे विद न्यू एनर्जी एंड अ स्माइल तो अब मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ अच्छा मुझे एक बात बताओ कि क्या आपने बचपन में कभी किसी चीज़ को लेकर भी जिद की है मतलब वो छोटे बच्चे जब थे आप तो किसी टॉय के लिए बाइसिकल के लिए या थोड़े बड़े हुए तो फ़ोन के लिए बाइक के लिए किसी चीज़ के लिए जिद की है मतलब वो छोटे थे तो शायद अपने मम्मी पापा की बहुत रिक्वेस्ट भी की होगी तरले डाले होंगे एंड किसी हद तक तो जमीन पर लेट कर रोए भी हो गए ऐसा कभी कुछ हुआ है और मम्मी पापा ने शायद कभी जिद पूरी भी कर दी जो छोटी मोटी बातें होती है वो तो पूरी कर देते हैं लेकिन कुछ जैसे फोन जैसी जिद के लिए आपके आगे कोई शर्त रख दी हो कि अच्छा पहले तो इस बारी बोर्ड के एग्जाम्स में तू मुझे नाइनटी परसेंट प्लस ला के दिखा दे पक्का तुझे फोन मिल जाएगा या इस बारी मैथ्स में हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड ला के दिखा तो ये चीज तेरी हो जाएगी कभी ऐसा हुआ एंड आपने उस जिद को पाने के लिए सच में एफर्ट्स किए हों एक्स्ट्रॉर्डिनरी वाले एंड आपने वो हासिल किया हो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में जरूर हुआ होगा छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए भी टारगेट्स रख दिए जाते हैं तो वो भी कई बारी मतलब वो उस जोश जोश में उस काम को पूरा करके दिखा देते हैं एंड पेरेंट्स से अपनी बात मनवा लेते हैं है ना वो तो थी बचपन की बातें मतलब हमारी हर ख्वाहिश जो है वो जिद बनकर पूरी हो जाती थी अब जब हम बड़े हो गए हैं तो अब क्या चल रहा है अब शायद हम ज्यादा मेच्योर हो गए हैं तो हमारी जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरे करने की ख्वाहिश ही रह जाती है हमारी अब जैसे हम अपने इंस्टीट्यूट की बात ही करें डिग्री की बात ही करें तो अब सीए डिग्री पाना क्या है हमारी ख्वाहिश हमारी जिद नहीं बन पा रही है एंड जो हमारे पेरेंट्स है जो इंस्टीट्यूट है उसने भी बेचारे ने एक शर्त रखी है कि तो ये पेपर क्लियर कर दे तो डिग्री ले ली पर हम लोग वो जिद को उस पैशन से नहीं अचीव करने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं जितने हमें बचपन में डाल पाते थे है ना तो अब वो अगर हमारे आगे ये शर्त रख रहे हैं तो हमें उसको पूरा करने के लिए कितने एक्स्ट्रॉडिनरी एफर्ट्स चाहिए होंगे तो आप अपनी बचपन की यादें ताजा करवा लो आज ही मम्मी पापा से पूछ लो ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद ना हो उनको पक्का याद होगा कि एक बार तूने ऐसा किया था ठीक है तो आज मेरा मैसेज जो आप लोगों को है वो यही है कि अब के इस जिंदगी के सफर में जो हम मेच्योर होते जा रहे हैं ना एज के हिसाब से तो उसने हमारी खुशियों को कहीं ना कहीं कम कर दिया हमारी बचपन की जिद्दी नेचर ही अच्छी थी ठीक है ना दिल की ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी हो जाती थी तो आज के बाद अब आप दोबारा उस जिद्दीपन को अपनी जिंदगी में ले आओ उस आग और जुनून को ठंडा मत बढ़ने दो अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करो तो आज से ही डट जाओ तुम्हारे अंदर जो वो एफर्ट्स करने की हिम्मत है ना वो मैं गारंटी देती हूँ वो खत्म नहीं होगी वो वो आग उसको जलाए रखो जब तक वो आपको चीज हासिल नहीं हो जाती तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताना कि कौन कौन आज से उस जिद को पाने के लिए अपना हर मुमकिन एफर्ट लगाएगा और जिद्दी बनकर दिखाएगा तो आज इस मैसेज के साथ आई विश यू अ वेरी गुड डे अहेड एंड भगवान करे आपके हर कदम को वो कामयाबी दे। तो बाय बनाओ टेक केयर एंड स्टडी वेरी